हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश हो गया था और बारिश होने के कारण हमारे सारे एरिया पर पानी फैल गया था। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पूरी तरह से पानी फुल हो चुका है। ये सब कुछ कल रात की बारिश है। यानी यहाँ पर असम में हमारे गांव में बहुत बड़ी बारिश हो गई थी, या फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, जो भी कहो। और इसमें हम लोग हमारे मछली पालते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये घास जो है ये पानी के ऊपर था पहले से ही, तो ये सब ऊपर आ गया है अभी पानी की वजह से। और इसी से अटैच ये एक घर है और यहाँ पर हम लोग सुअर या फिर क्या बोलते हैं नहीं पता, पिक इसमें रखते थे। और ये पूरी तरह से फुल हो गया था, तो हमें रातों रात उनको शिफ्ट करना पड़ा दूसरी जगह। आप लोग देख सकते हैं, जब हम लोग आगे देखे तो सुअर जो है वो सारे वो घास जो उधर से आया हुआ है उनको खा रहे थे। सो फ्रेंड्स, पानी वहाँ से यहाँ होते हुए इस तरह से ये दोनों जगह भरे हुए थे। और ये है हमारे घर के सामने ही बहुत बड़ा खेती है। तो आप लोग देख सकते हैं पानी की वजह से क्या हाल हो गया है अभी। और इस तरह से ये भी टूट गया है। तो अभी मैं आप लोगों को ऊपर की तरफ लेकर चलूँगी। ये है हमारे घर में आने वाले रास्ते, मतलब घर के रास्ते। तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ पानी यहाँ इसके ऊपर से बह रहा था, इसके ऊपर से आप देख सकते हो इस तरह से। ओके, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी पानी यहाँ से इसके ऊपर से बह रहा था। अभी तो नहीं है, अभी कम हो गया है। और ये लकड़ी जो है यहाँ पर थोड़ा सा बंद किया हुआ था, जो हम लोगों ने कल रात को आके ये सारे लकड़ियों को निकाल दिया, क्योंकि ये पानी इसके ऊपर से बहने की वजह से सारे पानी हमारे घर की तरफ बह रहा था, यानी हमारे घर के तरफ चला गया था और हमारे घर के अंदर भी पूरी तरह से पानी से भर गया था। तो आप देख सकते हो क्या हाल हो गया है। और ये भी आप लोग देख सकते हो इस तरह से शायद ऊपर से आ गया है सारे धान। ये देखिए, कल रात जब हम लोग इसको देखने के लिए आए, क्योंकि पानी हमारे घर की तरफ जा रहा था, तो इसीलिए हम लोग ऊपर आए, तो हम लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। खेती में जिस तरह से पानी है और पूरी तरह से अंधेरा था, तो पानी और खेती रास्ता हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग ऐसे अंदाजे से ही चल के आ रहे थे। और बाद में जब पानी बंद हुआ तो पूरी तरह से पानी सूख गया है।
सो फ्रेंड्स बस इतना ही है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। पता नहीं कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि पानी से पूरी तरह से भर गया है और इसको वीडियो बनाने की पड़ी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ जो हुआ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करके बताएं आप लोगों को कैसा लगा, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूं। बस इतना ही है, बाय, फिर मिलते हैं।